हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद जसमीत। दिस इज़ जसमीत कौर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इन मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जो कि है मैथमेटिक्स पेडागॉजी का। तो अगर आप सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी स्टेट रिलेटेड टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैथमेटिक्स पेडागॉजी का ये टॉपिक है। तो डैट इज़ बेसिकली हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन पे, कि क्या होता है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैथमेटिक्स में एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स जो है ना, वो क्या है, एक लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। क्या है? लॉजिकल है और कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और लॉजिक्स पे बेस्ड है। तो ये जो है प्रिंसिपल्स पे काम करता है, फॉर्मूलाज पे काम करता है, या फिर लॉजिक्स पे काम करता है, रीजंस पे काम करता है, तो इन सब पे वो काम करता है। ठीक है, तो हेंस ओनली लर्निंग इज़ नॉट सफिशियंट इन द सब्जेक्ट। यानी ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रट लो, आप लर्न कर लो तो वो बहुत है, या फिर तो स्टूडेंट जो है ना, वो अगर क्रैम करना चाहे कॉन्टेंट ऑफ मैथमेटिक्स का, तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, वो कर भी लेगा तो उसकी एप्लीकेशन में उसको प्रॉब्लम आएगी, वो अप्लाई नहीं कर पाएगा चीज़ों को, हेंस प्रॉब्लम अराइजेस। इससे क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। तो हेयर वी आर रिक्वायर्ड टू टीच इन वेज दैट आर स्टूडेंट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी कि अभी हम जो है, हम ऐसे पढ़ाएं कि बच्चा जो है वो कॉन्सेप्ट को सीखे उस टॉपिक का। ठीक है, रैदर देन वो उसको रटे और अकॉर्डिंगली वो अंडरस्टैंड करे कॉन्सेप्ट को और सॉल्व करे क्वेश्चन को अपनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। समझ गए बात को? तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये इसका एक तरीके से मीनिंग हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं फैक्टर्स हेल्पिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कॉन्सेप्ट को बनाने में, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर होता है, सबसे पहला फैक्टर है स्टूडेंट की, स्टूडेंट ही है जो हेल्प करेगा भाई कॉन्सेप्ट को बनवाने में। क्यों, कैसे करेगा? उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मान लो बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है, आप कैसे पढ़ा दोगे बच्चे को? नहीं पढ़ा सकते, आपको पहले उसका इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हिज कॉन्सेंट्रेशन, कि वो कितने कॉन्सेंट्रेशन से सुन रहा है आपको, या वो कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहा है किसी भी काम में। अगर आपने कोई काम दिया है, आप कुछ किसी चीज़ को भी कुछ भी करा रहे हो, तो वो कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहा है उस चीज़ में। ठीक है, उसके मेंटल लेवल और कंफ्लिक्ट, यानी कि उसके मेंटल लेवल क्या है। यानी कि आप किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हो कि आप अगर सेकंड क्लास के बच्चे को बोलो चलो भाई तेरा इंटरेस्ट है, ठीक है मैं तो देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, तो नहीं पढ़ा सकते हो आप, क्योंकि वो हायर कॉन्सेप्ट है। आप सेकंड क्लास के बच्चे को ये चीज़ नहीं पढ़ा सकते हो, उसके मेंटल लेवल के हिसाब से ही पढ़ा सकते हो और उसके कन्फ्लिक्ट जो माइंड में चल रहे हैं उसके हिसाब से ही पढ़ा सकते हो। ठीक है, और उसका रिलेशन कॉन्टेंट का रियल लाइफ के साथ, यानी कि अगर बच्चे का रिलेशन है उस रियल लाइफ के साथ, तो वो उस कॉन्टेंट को बहुत अच्छे से समझेगा और वो उसके कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मान लीजिए अगर मैं गई हूँ बाहर कहीं, तो वो मैं सेकंड क्लास में हूँ और मैं बाहर गई हूँ, तो मेरे को पता है मेरी मम्मी जो है वो मेरे को लेके गई हैं, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि वो ऐसे देते हैं पैसे फिर वापसी लेते हैं, और क्या होता है टॉफ़ी मिली मेरे को, मैंने दो खा ली। तो एक तरीके से इस तरीके से एग्जाम्पल्स हम देते हैं, तो इसीलिए देते हैं ताकि वो बच्चा रिलेट कर पाए उसको, तभी उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा, तभी जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है वो बच्चे की कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो है वो हो पाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है उसकी फैमिली, यानी कि कल्चर का क्या ट्रेडिशन है उसकी फैमिली का, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कॉन्सेप्ट बनाने में। ठीक है, और लैंग्वेज क्या टीचर यूज़ कर रही है और जो हमने उसको पढ़ाया क्या क्या लैंग्वेज यूज़ कर रही है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, फिर आती है तीसरी टीचर। तो टीचर जो होती है वो क्या करती है कि एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंसी जो है वो टीचर की बहुत अफेक्ट करती है। कैसी मतलब कैसा कितना एक्सपीरियंस है टीचर को, मतलब ये चीज़ तो नहीं है, तो मैं बात करूँ कि मतलब पढ़ाने का एक्सपीरियंस कि वो कैसे पढ़ाती है और कॉम्पिटेंसी कितनी वो कॉम्पिटेंट है पढ़ाने में, कितना अच्छे से वो पढ़ाती है और कितना वो अच्छा देती है कॉन्टेंट बच्चे को, वो किस किस तरीके से समझाती है। बेसिकली मैं बात करूँ तो एक्सपीरियंस यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, यहाँ है टीचिंग टेक्निक्स, वो क्या यूज़ करती है, वो क्या कैसे बच्चे को पढ़ाती है। ठीक है, और कैसे वो दिमाग में उस चीज़ को कॉन्सेप्ट को डालती है, वो कैसे उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करती है, तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज वाइल टीचिंग अ पर्टिकुलर कॉन्टेंट, कि क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उस कॉन्टेंट को पढ़ाने में के लिए, वो क्या क्या रिसोर्सेज का यूज़ करती है एक पर्टिकुलर कॉन्टेंट को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे कि फॉलोइंग टाइप ऑफ करिकुलम विल ऑल्सो इनकरेज अ गुड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। ये जो इस तरीके के करिकुलम होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में जो है वो बड़ा हेल्प करते हैं। तो किस तरीके के होते हैं,
पहले हम बात करूँ चाइल्ड सेंटरनेस की, अगर आप चाइल्ड सेंटर पे बात कर रहे हो ना, हमारा जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चाइल्ड होने चाहिए, बच्चे की नीड के हिसाब से, बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से ही होने चाहिए. तो चाइल्ड को मेन फोकस रखना है अपने, फिर तभी एक अच्छा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन आप कर सकते हो. दूसरा, टीचिंग मेथड्स, यानी कि टीचर जो है शुड सेलेक्ट मेथड्स, टीचर जो है वो ऐसे मेथड सेलेक्ट करे जो कि बच्चे की नीड के हिसाब से हो, उसकी एबिलिटी के हिसाब से हो, ठीक है. फिर क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा है, यानी कि अगर हेल्दी और डेमोक्रेटिक और फ्रेंडली इन्वायरमेंट है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और वो अच्छे से कर पाएगा उस चीज़ को, ठीक है, समझ पाएगा. और एक हेल्दी इन्वायरमेंट होगा तो उसको एक अच्छा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन उसका जल्दी होगा, ठीक है. फिर आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के, ठीक है. तो अभी तक हमने पढ़ा कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई, हमने ये सब पढ़ लिया, कौन कौन से फैक्टर्स उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, मेन आते हैं क्या क्या प्रिंसिपल है, हम कैसे कैसे जो है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीटेट के लिए, मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा पेडागॉजी में ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब है यहाँ पर, यानी कि लॉजिक्स जो है वो एक लॉजिकल ऑर्डर में जाना चाहिए, एक साइकोलॉजिकल ऑर्डर में जाना चाहिए. यानी कि ऐसे नहीं आपकी कुछ भी करा दो, ठीक है, पहले कुछ और करा दिया, बाद में कुछ और करा दिया, तो एक लॉजिक से चलना पड़ता है आपको. अगर आप पढ़ा रहे हो तो अगर मान लो बच्चे को मैंने सिखाना है एडिशन का कॉन्सेप्ट, कि उसको पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट एडिशन होता क्या है, तो मैं उसके बच्चे को एक एग्जांपल से सिखाऊंगी, मैं उसके लिए रोल प्ले एक्टिविटीज़ करा सकती हूँ कि ये लो आपके पास, मैंने आपको दो पेन दिए, ठीक है, हाउ मेनी पेन्स आर देयर, टू पेन्स आर देयर. फिर उसके बाद मैंने उसको एक पेन और दे दिया, तो मैंने बोला टेक वन मोर पेन, अब नाउ आई आस्क यू हाउ मेनी पेन्स आर देयर इन टोटल, अब आपके पास टोटल कितने पेन्स हैं, तो बोलेगा 1 2 3, आई हैव 3 पेन्स. तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ठीक है, तो इससे वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कर पाएगा, ठीक है. तो लॉजिकल ऑर्डर में चलना है रैदर देन डूइंग सीधा, आपने पहले 2+3 करा दिया, 2+3 क्या होता है, 2+3 5 होता है. फिर उसके बाद आप करा रहे हो कि अच्छा 2 पेंसिल दे दी, 5 3 वो दे दिए, तो वो ऑर्डर चलेगा तो वो बिल्कुल बेकार होगा. अभी आपको सबसे पहले कौन सी चीज़ों से एक तरीके से वैसे कराना है, ठीक है, तो एक लॉजिकल ऑर्डर में चलना है. फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है. अगर हाँ एक मिनट, लॉजिकल और साइकोलॉजिकल ऑर्डर की मैं बात करूँ तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि आप सब्ट्रैक्शन पहले नहीं कराओगे, आप एडिशन ही पहले कराओगे, ठीक है. तो ये चीज़ भी आती है कि एक लॉजिकल ऑर्डर जो है वो लेके चलना है. फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, कि आप एक्टिविटी बेस्ड लेके आओ, यानी कि स्टूडेंट्स जो है वो बच्चे एक्टिव हो नेचर से लेके, बच्चे के अंदर यानी कि उनके टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि बच्चा जो है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से बने, ठीक है. फिर आता है यूज़ ऑफ कॉन्क्रीट मटीरियल, बच्चे को कॉन्क्रीट मटीरियल का यूज़ कराओ रैदर देन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें का, यानी कि कॉन्क्रीट चीज़ें हाथ में जो पकड़ पाए, वो चीज़ों को समझ पाए, रैदर देन सीधा आपने बता दिया कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180, रैदर देन डूइंग दिस आप क्या कर सकते हो, आप एक्टिविटीज़ करा सकते हो, बच्चे को बोलो कि चलो आप ट्राइंगल्स काटो, कोई किसी भी शेप के कैसे भी ट्राइंगल काटने हैं आपने, फिर उसको मेजर करो, फिर उसके बाद आपने क्या करना है उसको सम करना है, फिर आप देखोगे हमेशा जो है वो ऐसे ही आ रहा है. तो वो क्या हो रहा है, एक कॉन्क्रीट मटीरियल को हम यूज़ कर रहे हैं. फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड इंसिडेंटल टीचिंग, यानी कि अब आपको ऑर्गेनाइज और इंसिडेंटल टीचिंग पे जाना है. यानी कि अगर टॉपिक सेलेक्ट कर लिया तो इसको एक अच्छे से उसको लॉजिकल फॉर्मेट में उसको वेल सीक्वेंस होना चाहिए, साइकोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, और वो टॉपिक उतना होना चाहिए जितना बच्चे को चाहिए, ज़्यादा ना कम, ये नहीं कि उसके मेंटल लेवल से ज़्यादा चला गया या कम चला गया, तो ऐसा जो है वो होना चाहिए, ठीक है. फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, यानी कि कोरिलेट तो करना पड़ेगा आपको, यानी कि रूटीन लाइफ से रिलेट करो बच्चे को, डिफरेंट सब्जेक्ट से भी आप रिलेट कर सकते हो, या फिर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स से भी रिलेट कर सकते हैं. म्यूचुअल इंटर रिलेशन होना चाहिए कॉन्सेप्ट के अंदर, एक और एक दो कॉन्सेप्ट के अंदर आप म्यूचुअल रिलेशन कर सकते हो, चाहे वो एक ही ब्रांच के हों मैथमेटिक्स के, या फिर मैथमेटिक्स को किसी वर्क एक्सपीरियंस एक्टिविटी से रिलेट करना. तो ये जो है हमारे प्रिंसिपल्स हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @studywithjasmeet. थैंक यू.